शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जाठिया देवी की ग्राम पंचायत बागी में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही इस पंचायत में 9 दिनों तक रामलीला भी हुई और दशहरे के दिन रावण दहन किया गया। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बागी में सरस्वती कला संगम मंच द्वारा दशहरे का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान रामलीला का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बागी के प्रधान नरेश ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर रावण दहन किया गया और कार्यक्रम के अंत में रामलीला में अभिनय करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। बागी के प्रधान नरेश ठाकुर ने बताया कि पंचायत में पिछले 30 वर्षों से दशहरे पर्व पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है और पंचायत नशे के विरुद्ध लगातार कार्य कर रही है। साथ में जो आज दशहरे का पर्व पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है, इसी में ही हमारी अगी पंचायत के एक संस्था है सरस्वती कला संगम के माध्यम से जो है इस रामलीला का आयोजन किया जाता है। यहाँ काफ़ी 30-35 वर्षों से लगातार ये संस्था इस पंचायत के अंदर कार्य कर रही है, तो आज जो है दशहरे के पावन अवसर पर जो है अच्छाई बुराई पे अच्छाई की जो जीत का जो है पूरा संदेश हम आप सब लोगों को प्रेरणा देता है, तो इसके उपरांत जो है आज दशहरे पर्व पे जो है रावण का पुतला जलाकर कर जो है अंतिम दहन संस्कार कर दिया गया है और इसमें जो है पूरे प्रदेशवासी पूरे ग्राम पंचायत बागी के सभी लोगों को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि जिस तरह से आज दशहरे के लक्ष्य पे बुराई की अच्छाई पे अच्छाई की जीत हुई है, तो इसी तरह से जो है आम लोगों को भी है जो है अपने जीवन काल में जो है इस तरीके का आचरण अपनाना चाहिए जो प्रभु श्री राम का रहा है, और उसी तरह से जो है हम आप सब लोगों को इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में जो है इस संस्कार को अपनाते हुए इस हिमाचल की देवभूमि में इसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम आप लोगों को देखने को मिलना चाहिए। तो ये हम जो है एक सभी प्रदेशवासी देशवासी से अपील भी और प्रार्थना भी करते हैं कि जिस तरह से ये आयोजन नाटकीय द्वारा किया जाता है, जिसके तहत कलाकारों द्वारा इसका मंच पर अपना प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह से एक जो आम जीवन हमारा है, एक हमारी संस्कृति है, एक हमारा सभ्यता है, तो वो मान मर्यादा जो इसके अंदर रामायण के अंदर बताई जाती है वो जो है हर व्यक्ति को जो है युवाओं को खासकर मान सम्मान से जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए और पूरे प्रदेश के सभी लोगों को जो है इस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देवभूमि से संबंध रखते हैं और आश्रित लोग हैं, तो इन्हीं के साथ मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ग्राम पंचायत बागी से पूरे प्रदेशवासियों को दशहरे के पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जो यहाँ पर पिछले लगभग 35 सालों से 1986 से ये रामलीला का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ क्षेत्रीय जनता दूर दूर की जनता यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करती है, देखने में रुचि लेती हैं, कलाकार करने में रुचि लेते हैं और लगभग 35 वर्ष केवल पिछला साल जो था वो कोविड के कारण एक साल नहीं हो सकी, इस बार थोड़ी छूट मिली है तो इस बार हम इस लीला का मंचन जो है वो भली भांति कर रहे हैं और आज दशहरे के उत्सव पर इसका समापन समारोह हो रहा है। सर, बुराई पे जीत की जो है वो आज हुआ था, तो किस तरह का आपका प्रोग्राम आज रहा है यहाँ पे, कौन आपके थे जो मेन यहाँ पे करने वाले थे? जी, हमारे कलाकार करीब 35 से 40 लोग इस संस्था में काम करते हैं, छोटे बड़े कलाकार, और वो सभी अपना जो अभिनय है अपनी जो कला का मंचन करते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते आ रहे हैं। इसमें हमारे डायरेक्टर मिस्टर इंदर सिंह जी इस वक्त जो कार्य कर रहे हैं वो एक बहुत ही सुलझे हुए हमारे निदेशक हैं इसमें, जो कि अपनी कला को भली भांति कलाकारों को तैयार करके प्रदर्शित करवाते हैं और इस वक्त जो बुराई पे अच्छाई की जो जीत है
वो सबसे बड़ी बात तो इसमें देखने वाली ये बात है कि बुराई का मतलब ये नहीं है कि जो रावण मारा गया था वो बुरा था, लेकिन बुराई हमारे मन के अंदर, हमारे मन के अंदर जो बुराइयां हैं उसको किस प्रकार से दूर करना है वो अक्सर जो हमारे मंच पर सर देखा जाता है कि जैसे रामलीला जो होती है वो अलग अलग संस्थान से राम रावण ये सब बुलाए जाते हैं, तो यहाँ पे कहाँ से सर वो बुलाए गए? जी मैं आपको, हमारे को बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो जो भी कलाकार हैं वो बिल्कुल स्थानीय कलाकार हैं और मैक्सिमम हमारे अपनी पंचायत के ही कलाकार हैं। और मुझे ये कहते हुए कोई वो नहीं हो रहा कि मैं जिस गांव से संबंध रखता हूँ, मेरे गांव के करीब 11 कलाकार इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे जो उन्होंने अभिनय किए हैं वो कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।